everyone. Before starting this video, please subscribe our channel Techno Fiesta and share it to the maximum people. And please don't forget to click on the bell icon for regular updates. APC related हम questions यहाँ पर discuss कर रहे थे अभी तक, जहाँ पर आपको nth term find करनी थी या फिर arithmetic mean आपको find करना था. अब हम next हमारा जो नया topic है, that is sum of n terms in AP. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी. आपको क्या करना है, जो भी एन टर्म्स आपको गिवन है उसका आपको सम फाइंड करना है. तो ये आपके दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो. अगर आपको क्या हो, एपी एक सीरीज दे रखी हो, दैट इज सपोज कुछ भी आपको नंबर दे रखा है A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ठीक है, आपको कहा जाए फाइंड द सम ऑफ दिस एपी सीरीज. तो आपको क्या करना है, एस एन सम ऑफ एपी एन टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एस एन लिखेंगे. एस मतलब सम, सम और एन मतलब एन टर्म्स का. तो वो होता है हमारा एन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर. अब अगर आपको इस क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए फर्स्ट टर्म आपको गिवन हो और लास्ट टर्म आपको गिवन हो और आपसे कहा जाए फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, देन आपको एस एन क्या करना है, फिर आप एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. आप सीधे क्या करेंगे, ए प्लस एल यानी कि एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देंगे. तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास फाइंड हो जाएगा. तो आपको ये दो फॉर्मूलेज हैं जो यूज करने सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड करने के लिए. तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते. फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी. आपको क्या कर दिया उसने, n की वैल्यू गिवन कर दी, दैट इज 20. n टर्म्स आपको गिवन है, वो किसके बराबर है, 20 टर्म्स के. और आपको एक सीरीज दी हुई है 1 4 7 10. तो सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले सीरीज लिख लेंगे 1 4 7 10 एंड सो ऑन. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले जब एपी डिस्कस किया था तभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको सीरीज गिवन है तो आप इससे दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. That is first term जिसको हम small a कहते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के. and second common difference जिसको हम small d भी लिखते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 minus 1, वो किसके बराबर है, that is 3 के. आप 7 minus 4 करोगे तो भी 3 आएगा, 10 minus 7 करेंगे तो भी आंसर 3 आएगा. तो small d कितना हो गया, 3 हो गया. और n आपको गिवन है दैट इज 20 के. तो अब आपको क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स आपको फाइंड करना है यानी कि s ऑफ 20. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n a और d की वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पर हमारे पास sn बराबर यानी कि n बराबर कितना है, 20. तो s ऑफ 20 कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ ए, ए की जगह कितना आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 यानी 20 माइनस 1. और डी कितना निकाला हमने, 3 के. अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 20 टर्म हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर एस ऑफ 20 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा ये 10, 2 into 1 2 हो जाएगा प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 into 3 हो जाएगा. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो s ऑफ 20 ये तो हो गया 10, 2 प्लस 19 को 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57 के. और अगर आपको बोर्ड मास पता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो यहाँ पर 10 को एज इट इज रहने देंगे इंटू 22 प्लस 57 दैट इज 59. और जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो s ऑफ 20 कितना आ गया 590 के. तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया, दैट इज 590 के बराबर. अगर आपको यहाँ पर 20 की 30 देता तो हम n बराबर 30 पुट कर देते तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर n की वैल्यू गिवन है, a और d की वैल्यू आप फाइंड कर लो सीरीज से और एस एन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर लेंगे. कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको n की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो आपको कुछ टर्म्स गिवन होगी, उसके अलावा उसके आपको कुछ और कंडीशन गिवन होगी तो उससे आपको पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है देन a और d की वैल्यू फाइंड करके ये वाला फॉर्मूला पुट करना है. और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इफ n टर्म ऑफ एन ap इज 2n + 1, यहां पर उसने कह दिया nth टर्म.
अभी तक इसके अभी हम सम ऑफ एन टर्म की बात नहीं कर रहे, ओनली एन टर्म की बात कर रहे, यानी कि ए एन आपको कितना दे दिया, दैट इज 2n+1 के दे दिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट एन टर्म्स, आपको फाइंड करने है फर्स्ट एन टर्म्स आपको फाइंड करनी है कि वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, एन टर्म हमें यूज करनी है तो एन ही रहने देंगे, ए और एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एंथ टर्म दे रखी, इट मीन हम कह सकते हैं लास्ट टर्म ही हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी, दैट इज 2n+1 के। कैसे होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक, यही हमारे पास सीरीज होती है एपी की। तो अब आपको कहता है nth term यानी लास्ट टर्म आपको क्या देती है, दैट इज 2n+1। अब मुझे क्या करना है, a1 निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म मुझे निकालनी है, तो मैं इसमें क्या करूं, n की जगह 1 पुट कर दूं, तो यहां पर a1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1+1 के। तो यहाँ पर a1 कितना आ जाएगा, 2 × 1 कितना होता है 2 और प्लस 1, तो a1 बराबर 3 आ गया, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट टर्म तो 3 हो गई, लास्ट टर्म क्या हो गई, 2n+1 हो गई। अब क्या कर लेंगे, हम हमारा फॉर्मूला पुट कर लेंगे, वो क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू ही रहेगा। फर्स्ट टर्म मैंने क्या निकाली थी, दैट इज 3, तो ये हो गया 3 और लास्ट टर्म मेरी क्या है, 2n+1 के बराबर है, 2n+1 के बराबर है। अब मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व कर लूंगी, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू 2n+3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 2n+4 हो गया। अब मेरे को क्या निकालना था, एस एन निकालना था, तो एन अपॉन टू, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, n+2 के बराबर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन बराबर कितना आ गया, दैट इज n × n+2 के बराबर आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए इसमें एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सॉरी, तो ये हमारे पास से आ गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज n × n+2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, बस आपको करना क्या है कि आपको फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के, या तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर आपको एक सीरीज गिवन होगी, तो उससे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो और एन की वैल्यू फाइंड करके और उसका सम ऑफ एन टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। अब यहाँ पर वापस एन की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 30, हूज सेकंड टर्म इज 2 एंड सेवंथ टर्म इज 22। अब आपको यहाँ पर एक सीरीज आपको गिवन नहीं है, ठीक है, एपी की कोई सीरीज गिवन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं होगा, तो उसकी जगह कुछ और कंडीशन गिवन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, सेकेंड टर्म दे दी और सेवंथ टर्म दे दी। तो आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या गिवन है हमें, यानी कि हम लिख सकते हैं a ऑफ 2, दैट इज 2 है, और a ऑफ 7 टर्म है, तो a ऑफ 7 कितना है, 22 के बराबर है, और n की वैल्यू कितनी दे दी, दैट इज 30 दे दी। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारी जनरल टर्म क्या होती है, सम ऑफ n टर्म्स के, पहले मैंने आपको बताया था जनरल टर्म हमारी होती है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के होती है। तो अब इसमें हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, मतलब एन की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए ऑफ 2, फिर ए एज इट इज 2 − 1 इंटू डी के, और ए ऑफ 2 किसके बराबर है, 2 के। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन गई, वो 2 − 1 होता है, 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी बराबर किसके आ गया, 2 के। ये तो एक इक्वेशन आ गई, अब इससे भी एक इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, तो n बराबर जब 7 पुट करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, a ऑफ 7 बराबर a प्लस n − 1, यानी कि 7 − 1 इंटू डी के,
और a of 7 कितना है 22 है, तो यहां 22 रख लिया। और ये कितना हो जाएगा 7 minus 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर देती हूं, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 22 minus 2। और इस साइड अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या है a plus 6d, और इसमें से माइनस करना है a plus d को। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगी, a और d की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया 20 और ये हो जाएगा a plus 6d, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो डिजिट्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी a plus का है बाहर आके माइनस का, फिर ये d भी प्लस का है बाहर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि a एक बार तो प्लस का है और एक बार माइनस का है, तो ये प्लस से माइनस वाले टर्म कैंसिल हो गई, तो 20 बराबर 6 में से 1 गया तो 5d हो गया, तो d बराबर कितना आ जाएगा 20 अपॉन 5, तो d बराबर आ गया 4k। अब आपको इक्वेशन 1 क्या गिवन थी, इक्वेशन 1 आपको जो गिवन थी वो थी a plus d is equal to 2। अब क्या करेंगे यहां पर d की वैल्यू को 4 पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां पे a d कितना आया था हमारा 4 equal to 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 minus 4 हो गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा that is minus का 2 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और n आपको 30 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सम निकाल लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं सारी वैल्यू, a बराबर था हमारे पास minus 2, d बराबर 4 और n बराबर that is 30 हो गया। अब क्या करेंगे sum of n term, यानी कि sn बराबर क्या होता है n upon 2 twice of a n minus 1 into dk, तो s of 30, n बराबर कितना है 30 है तो 30 term निकालेंगे और ये कितना हो जाएगा 30 upon 2k, फिर 2a, a कितना है हमारे पास minus 2 plus n 30 है 30 minus 1 और d की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास s of 30 आ जाएगा, तो s of 30 कितना हो गया 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, 2 2 जा 4, तो ये हो गया माइनस का 4, क्योंकि एक बार साइन है माइनस का तो माइनस आ जाएगा, 30 minus 1 करेंगे तो कितना हो गया 29 into 4 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 15 तो as it is रहेगा minus 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 116 के बराबर। अब इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे तो यहां पर s 30 कितना आ जाएगा 15 into प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि 116 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए आंसर भी किस में आएगा प्लस में आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 18, और ये हो जाएगा दैट इज s of 30 हमारे पास कितना आ गया 1680। तो इस तरीके से आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको मैंने बोला था कि डायरेक्ट a और d की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कुछ और कंडीशंस आपके पास गिवन होगी, जैसे यहां गिवन थी सेकंड टर्म और सेवंथ टर्म, तो इससे मैंने क्या करा a और d की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स मैंने फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहां पर, यहां पर वो बोल रहा है कि आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको फाइंड करने, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपके पास कहां तक चलेगा n तक, ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आपको इनका सम फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म वो कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है स्मॉल a बराबर 1, और लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा दैट इज n हो जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स वो किसके बराबर होता है sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस l के होता है, तो यहां पर आपके पास sn बराबर n अपॉन 2 a कितना हो गया 1 और l n l कितना हो गया n के, तो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया n into n plus 1 upon 2 हम कह सकते हैं, तो sn बराबर क्या आ जाएगा ये हमारा सॉल्व आंसर आ गया दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
तो आपको अगर क्वेश्चन में ना कई बार पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्या कर सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।